राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में 15 से 20 कॉलोनी के बीच बने हिप हॉप हॉस्पिटल में कोविड 19 सेंटर बनाए जाने से नीचे बनी 15 से 20 दुकान के व्यापारियों ने एक प्रकार की समस्याओं के कारण आज एसडीएम को ज्ञापन दिया। आईबीएन 24 न्यूज के लिए संतोष चौहान की रिपोर्ट। मैं मनीष कुमार तोलानी, वार्ड क्रमांक 64, अपने रहवासी क्षेत्र भैल नगर अयोध्या बाईपास रोड भोपाल। भैल नगर प्रकाश नगर से लगा हुआ एक काफ़ी बड़ी कॉलोनी है जिसमें 10 से 12 कॉलोनियां आती हैं और 10 से 12 कॉलोनी के बीचों बीच मेन रोड पे एक हॉस्पिटल है जो एस हॉप्स हॉस्पिटल के नाम से काफ़ी चर्चित, काफ़ी फेमस है। आज कॉलोनी वासियों को ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर कोविड सेंटर वहाँ पर आ रहा है, तो पूरी कॉलोनी में आक्रोश का माहौल है। पब्लिक तो पूरी नहीं आ सकी, मैं उनका जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे आना पड़ा और यहाँ पर एसडीएम साहब से मुलाकात कर इनको ये ज्ञापन सौंपना मुझे, और मैं और मेरे साथ पूरी कॉलोनी वासी इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि कोविड 19 सेंटर जो यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ ना आके कहीं ऐसी जगह दूर जाए जहाँ किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं हो, खुले में तब्दील हो जाए। हमें कोई चीज़ की और किसी चीज़ की शिकायत नहीं, बस यही हम चाहते हैं कि एसडीएम साहब से हमारा निवेदन है और आपके मीडिया के माध्यम से ये बात उन तक पहुँचे, कलेक्टर साहब तक पहुँचे, मुख्यमंत्री साहब तक पहुँचे, गोविंदपुरा विधानसभा की जो विधायक है श्रीमती कृष्णा कौर जी उन तक पहुँचे और सभी मीडिया के चैनल पर पहुँचे कि हम ये चाहते हैं कि भले हुए क्षेत्र में कोविड 19 सेंटर नहीं आए। क्या समस्या है यदि कोविड सेंटर आपके यहाँ आता है तो क्या समस्या होगी? सबसे बड़ी समस्या कोविड अगर सेंटर वहाँ पर आता है तो नीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें 12 से 15 दुकानें हैं और ज़रूरतमंद चीज़ें हर व्यापार वहाँ से व्यवसायी जो भी वहाँ के रहने वाले नगरवासी हैं वहाँ पर उन सभी का आना जाना है और वो सभी लोग आते हैं। और स्वाभाविक सी बात है जब कोविड सेंटर के नीचे मार्केट होगा और वहाँ पर रहवासी वहाँ के लोग आएंगे तो पक्की बात है कोरोना में बीमारी फैलेगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे क्षेत्र में आज 8 महीने कोरोना महामारी को हो गए हैं, 6-7 महीने में हमारे पूरे बीचल, हमारे पूरे जो क्षेत्र है उसमें अभी भी एक भी मतलब पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति नहीं मिला। हम ये चाहते हैं कि ये जो माहौल बना हुआ अच्छा, ये अच्छा बना रहे। तो कोविड सेंटर वहाँ क्यों खोल रहे हैं जब वहाँ पर कोई कोरोना पॉजिटिव ही नहीं मिल रहा है? हमने बात करी जो उनके जो मालिक हैं उनसे बात करी, उनका कहना है कि सरकार का आदेश है और सरकार का आदेश हम काट नहीं सकते। अगर सरकार को मना भी करेंगे तो वो ज़बरदस्ती खोलेंगे, तो हमारा सरकार से यही निवेदन है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उस क्षेत्र में 75% रहवासी जो है वो बीचल से रिटायरमेंट है और सभी की उम्र लगभग मान के चलिए 25% जो वहाँ रहवासी हैं वो 60 से 65-70 साल के हैं और काफ़ी बच्चे भी हैं। तो निवेदन ये है कि हमारा ये कोविड सेंटर ना खुले तो ज़्यादा अच्छा है।